अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंग्लिश का पेपर बताने जा रहा हूँ जिसका कोड है Gen 112। ठीक है, कॉमन फॉर ऑल टेक्नोलॉजी सिविल मैकेनिकल सबके लिए है। पार्ट बी पे नज़र दौड़ाएँ तो पार्ट बी में सारे से चैप्टर से सवाल आता है। ठीक है, हाउ इज़ द यूज़, ये पहले चैप्टर से आया है, ये भी पहले चैप्टर से, ये कायदे आज़म वाला है। ठीक है, ये दूसरे चैप्टर से आया है, ये भी दूसरे चैप्टर से, द लास्ट लीव जॉन सी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मतलब के सब उसके मेलाब से आए हैं। इस आप इसमें से देख लें, इन सब के मेलाब से आए हैं। ये आपने सीरत तैयबा, क्योंकि सब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ही होंगे तो उनके लिए ये वाला चैप्टर आसान होगा। जिना विजन ऑफ पाकिस्तान, आप बचपन से ही कायदे आज़म के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत की, ये भी आसान है। आपका द लास्ट लीव, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको आपको सुनने में मज़ा आएगा, क्योंकि एक अफसाना है जो कि मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये आसान है। हबल आपने याद करना होगा, हबल एक टेलीस्कोप है जिसकी वजह से आप तारों आसमान को देख सकते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ ये इस पर फोकस दें। लेसन ऑफ बैटल ऑफ ओहद, बैटल ऑफ ओहद जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग लड़ी थी। ठीक है, आप बचपन से ही उसके बारे में सुनते हैं, ये भी आसान है। जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी में आप मसला ये है कि जेंडर इक्वलिटी की एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अभी एक मर्द है, ठीक है, उसने एजुकेशन की तो लोग उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर एक लड़की ने एजुकेशन की उस तरह तो लोग उसको बुरा मानते हैं कि ये तो पढ़ाई घर की औरत है। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी में टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन तो मतलब आप अगर ये वाला पेपर देख रहे हैं तो टेक्निकल एजुकेशन के बारे में आपको पता ही होगा। टेररिज्म अटैक इन पाकिस्तान, आपने सिर्फ ये टेक्निकल एजुकेशन, टेररिज्म अटैक इन पाकिस्तान और हबल, इन तीन चैप्टर पे आपने फोकस देने की। ठीक है, क्योंकि ये न्यू चैप्टर है और बाकी जो मैं आपको बताया हुआ तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। इसके लिए तो ये जनाब विजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, लेसन ऑफ द बैटल ऑफ ओहद, ये सारे क्वेश्चन उन्होंने में से आए हैं। ठीक है, द लास्ट लीव, हाउ जॉन सी लाइव, ये इसी चैप्टर में से है। देखिए, ये पहला चैप्टर है, ठीक है, टेररिज्म अटैक इन पाकिस्तान, ये देखिए, देखिए ये टेलीस्कोप हबल वाला, आपने ये सारे क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर के मेलाब से आते हैं और पेपर बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि जिस बंदे ने याद किया होता है उसके लिए आसान होता है। अभी पार्ट सी की बात करें तो आपने इन सारे चैप्टर की समरी भी याद करनी है, लेकिन जिना विजन ऑफ पाकिस्तान, द लास्ट लीव, टेररिज्म अटैक इन पाकिस्तान, जिना विजन और सिर तजरीबा आपने मस्ट याद करनी है, क्योंकि इन दोनों में से खामखा एक आता है, लेकिन सिर तजरीबा नहीं आया, जिना विजन आया, द लास्ट लीव और टेररिज्म अटैक इन पाकिस्तान। ठीक है, आपने ऐसे लिखना होगा, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटीज ऑफ बेस्ट स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप अभी एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आपके लिए ऐसे लिखना तो आसान होना ही चाहिए। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन, अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कर सके तो आप जाके, अभी क्या कहूँ यार, एप्लीकेशन तो बच्चे को आती है यार, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, एप्लीकेशन है और यूज पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, होल होल, हील हील, देखें हील का मतलब है जो हील सैंडल्स होते हैं, हील का मतलब है वो, इस हील का जो सैंडल्स होते हैं, हील का मतलब है मतलब के उस बंदे को हील करना, और ट्रांसलेट इनटू उर्दू टू इंग्लिश। ठीक है, आपने इसकी ट्रांसलेशन को करनी होगी। तो ये था आज का इंग्लिश का पेपर, होप आप सबको पसंद आया होगा। स्क्रीनशॉट भी लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।